मॉर्निंग यूट्यूब, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ राइड पे। तो मुझे लगता है एक साल के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ फिर से यूट्यूब के लिए, और इस बार मैं कर्नाटका में नहीं उत्तराखंड में हूँ। उत्तराखंड किसी कारण बस आना पड़ा, वो तो डिटेल में बाद में दूंगा। लास्ट टाइम मैं गया था नैनीताल, बारिश हो रही थी, ब्लॉग नहीं बनाया पाया था। इस बार हम लोग जा रहे हैं भीमताल, सर्दी काफ़ी है, एक अच्छा सा प्यारा सा और वही टैगलाइन अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी तक मेरे जितने भी व्यूअर थे तो अभी हाइट पर होने के कारण सांस में अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ। तो जितने भी थे मैंने कर्नाटका के बारे में मैं जहाँ घूमा जो भी किया बताया, और अब बारी है उत्तराखंड की। चलो इन्जॉय करेंगे एक अच्छा सा प्यारा सा और मस्त वाला ब्लॉग। फाइनली मुक्तेश्वर पहुँच गए और हमने गाइड को एक हायर किया है। यहाँ मेनली गाइड आपको बोलेंगे कि 250 चार्ज है, तो वो चार पांच पॉइंट वहाँ घुमा देते हैं, 5 पॉइंट्स है। तो मतलब 250 बोला, हमने बार्गेनिंग करके मतलब बोला कि 200 रुपये करके, उनका कुछ ऐसा सिस्टम है कि 100 रुपये यूनियन वालों को देना होता है कुछ है। तो अभी मंदिर भी जाएंगे, प्रसाद ले लिया है हमने, और सांसें फूल रही है भाई साहब, ऊंचाई पे हैं कि ठंड ज़्यादा लग रही है पता नहीं है। अभी सर्दी स्टार्ट हो गई यहाँ पे, और नेचुरल है, बहुत नेचुरल सीन। और हम जहाँ से जाएं वहाँ इतनी गर्मी है भाई साहब, पूरा दिन पसीना पसीना उल्टा सब कुछ चल रहा है। अभी वहाँ से एकदम ऐसा अपोजिट कहते हैं ना, वो अपोजिट वाला सीन है इधर। और दिसंबर में आएंगे क्या होगा पता नहीं। जो जस्ट अपोजिट सीन यहाँ पर हमारे गाइड जो है वो हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे। चलो आगे व्यू का मजा लेते हैं क्या है। चलो एक सुंदर सा वीडियो एंजॉय करते हैं। वरदान दिया है कि जिस लेडी की संतान नहीं होगी वो यहाँ पे महाशिवरात्रि के मेले के दिन आके इसमें एक सिक्का डाली गया और इस होल से निकलेगी। आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा कहाँ पे, ठीक है सामने देखिए सर, इस होल से निकल, हाँ हाँ, जिस लेडी की संतान नहीं होगी। गुरु गोरखनाथ द्वारा वरदान दिया हुआ है, इसके पीछे से क्या है स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। दूसरे यहाँ पे लोकल गाँव की लेडी और सिक्योरिटी रहती है जो पूरी हेल्प करती है जी। आप लोग इसके बारे में YouTube में जैसे सर्च करेंगे चौली की जाली करके, तो वीडियो दी हुई है। दूसरा आप लोग फिर अगर लाइव देखना चाहेंगे तो महाशिवरात्रि के मेले के दिन आइए, जो मार्च और सॉरी फरवरी और मार्च में होता है, उस दिन यहाँ पे काफ़ी रश रहता है, 10-15 हज़ार लोग यहाँ पे आते हैं बाहर से भी और लोकल से भी। तो ये मन्नत जो पूरी होने वाली बात है ये सच है जी, ये 80% यहाँ पे। पीछे आप लोगों ने एक बोर्ड देखा सर, IVRI करके, हाँ IVR जी, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे पशुओं के ऊपर रिसर्च वगैरह होती है। और ये रोप करके कुछ बोलते हैं इसको, पहली बार मैं कर रहा हूँ, काफ़ी हाइट पे हूँ और पता नहीं, देखो ओ मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार, और यहाँ सब चीज खुलता है वो साज धाज सब। मजा आया, काफी खतरनाक नहीं था लेकिन हाँ अच्छा था। और ये एक्टिविटी करने से 300 रिचार्ज करते हैं तो अच्छी रही। तो मैं एक फाउंटेन के पास आया हूँ और काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आने में तो पूछो ना, सॉरी इसके लिए बच गई है, मैं लोकेशन दिखाता चुप लिए देता हूँ, इंग्लिश में ज़्यादा नोटिस ना करे। और कैसा रहा, चलो एक देखते हैं जल्दी से।